जय भीम, मैं अनिल भारती सम्यक टीवी 24 से, और आज उपस्थित है तिलकपुर के, जो कि सिधौली में आता है, सिधौली का जिला सीतापुर एक छोटा सा गांव है। और ये कार्यक्रम, जब मैं इस कार्यक्रम में पहुंचा, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम, कार्यक्रम में एंट्री होने से पता चल रहा था कि लग रहा कोई बड़ा पॉलिटिशियन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय समन्वय संगठन का प्रोग्राम था। और दो महत्वपूर्ण चीजें हैं आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और दूसरा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का 22वां स्थापना दिवस। आज इस कार्यक्रम को देखने से लगा कि गांव-गांव गली-गलियों में ये जो संगठन जा जाके लोगों की आवाज को बुलंद करता है और बहुजन महापुरुषों को घर घर में जो पहुंचाने का काम करता है, आज इस कार्यक्रम ने प्रूव कर दिया कि जो लक्ष्य है वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करता है और गलियों गलियों में जाकर बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करता है। हमारे साथ में महिला कमांडर, लक्ष्य की महिला कमांडर। मैं दो सवाल लेना चाहूंगा भारतीय समन्वय संगठन इस एक स्थापना दिवस पर और 26 जनवरी आज इस स्वर्णिम दिन हमको क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, इसलिए आज हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। इसलिए हम दो सवाल लेना चाहेंगे। पहला सवाल रहेगा मैम से कि आप जो है संगठन के जो 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, समाज को क्या कहेंगे? और समाज ने तो आप आज प्रूव कर दिया कि वास्तव में आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं, आप अपने संगठन के बारे में 22वें स्थापना दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? स्वागत है मैम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी लोगों को। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का स्थापना दिवस है, आज पूरे 22 साल हो रहे हैं, और ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये क्यों बना और आज के ही दिन क्यों बना, बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन इसलिए बनाया गया, इसकी स्थापना इसलिए हुई कि भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखित संविधान है वो आज के दिन लागू हुआ था 1950 में। तो हम लोग बहुजन समाज के लोग आज को ही असली आज़ादी भी मानते हैं, क्योंकि जो हमारे हक अधिकार हुकूक थे उसकी बात संविधान में दी हुई है, और जो बुनियादी हमारी आवश्यकताएँ हैं, जो तमाम स्वाभिमान से भरे हुए अधिकार हैं, इसलिए भी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की स्थापना आज हुई थी। तो आज स्वतंत्रता का दिन है कि हम सब लोग इस तिलोकपुर गांव में, जिला सीतापुर में, यहां पर हजारों की संख्या में हमारे भाई बहन आए थे, तमाम दूसरे गांव से लोग आए थे, महिलाएं आई थी, बच्चे आए थे, बहुत ही खुशी का विषय है। राजनीतिक संगठन है जो राजनीति नहीं करता है, और बहुजन समाज जो 85% हमारा समाज है, इसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो अलग अलग हैं, और उनको अलग अलग होने की वजह से जो 15% समाज के लोग हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, वो उनको संवैधानिक अधिकार नहीं देते। आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रही हैं उनका रवैया बहुजन समाज के प्रति बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए बहुजन समाज को जो संवैधानिक अधिकार हैं वो उन तक नहीं मिल पाए, उनको नहीं पहुंच पाए। तो ये जो लक्ष्य संगठन है ये प्योरली शुद्ध रूप से ये सामाजिक रूप से हम अधिकारों की बात करते हैं, और कास्ट बेस पर किसी का उत्पीड़न अत्याचार होता है, अगर उसके साथ असंवैधानिक व्यवहार होता है, तो ये लक्ष्य संगठन चट्टान की तरह उनके साथ में है। अब हम जानना चाहेंगे जो आज पावन अवसर है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उसके बारे में मैम महिला कमांडर से जानना चाहेंगे कि आप देशवासियों को और अपने जो आपके जो संगठन के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस पावन अवसर पर? पहले तो हर बार धन्यवाद। मैं कमलिया बन्नौर ये गांव है जिला सीतापुर, और ये अटरिया थाना आता है। तो आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज बहुत बड़ा दिन है 26 जनवरी की, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारे भारतीय समन्वय संगठन
लक्ष्य की आज के दिन स्थापना हुई थी और डॉक्टर खजानसरी साहब ने करवाई थी। और आज अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं और बैठे हैं, ये बाबा साहब की तो देन नहीं है, हमारे महापुरुषों की देन है। आपने देखा कि कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं बचा होगा बहुजन समाज का जो हमारे पंडाल में चारों तरफ से फोटो लगी हुई है महापुरुष। आज हमें महसूस हो रहा है कि आज अगर हम यहाँ बैठे हैं और बोल रहे हैं और अपने लोग अगर एकजुट है, ये हमारे बाबा साहब और महापुरुषों की देन है और ये संगठन की देन है कि जो आज हम महिला कमांडर बन करके बैठे हैं। नहीं तो हम हाउस मेकर हैं, हमको घर से खाना बनाने से टाइम नहीं होता था। ये डॉक्टर खजान सिंह साहब की देन है कि आज महिलाओं के हाथ में माइक है और महिलाएं ऐसे बहुत ढेर सारे केस हमने सॉल्व कराए हैं जो अत्याचार बलात्कार और हमारे युवाओं के साथ, हमारे बहुजन समाज की बेटियों के साथ जो होते हैं, संगठन के माध्यम से हमने बहुत केस सॉल्व कराए हैं। ऐसे बदमाशों को अंदर कराए हैं और ऐसे जो है वो बेटियों को हम इंसाफ दिलाए हैं और अपने बहुजन समाज को आज के दिन हम बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमको यहाँ देखने को मिला कि मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या पे महिलाएं, हमारे साथी भाई और जो हमारे युवा हैं लक्ष्य कमांडर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अनिल भारती जी भी कमांडर हैं जो आज मीडिया का काम कर रहे हैं और दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये वीडियो दूर दूर तक जाएगी, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, बड़ी हिम्मत आएगी। ये पावर हमें संगठन वजह से मिला है, वैसे हम कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग साथ देंगे तो बहुत जल्दी भारत में बदलाव आएगा। हमारा बहुजन समाज ये जो यहाँ है, ये टॉप पे बैठेंगे, हमारे युवा काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद मैम। और जैसा कि मैंने जब यहाँ पे इस कार्यक्रम में पहुंचा तो देखा बहुजन महापुरुषों की लगातार एक तरफ से पूरी कतार से उनके जो जीवन में उन्होंने जो लाइनें हमारे लिए दी थी वो और उनके तस्वीरें, ताकि जो हमारे लोग आए, तो बहुत लोगों को जो तस्वीरें ही नहीं पता होती है कि हमारे कौन से महापुरुष है। इस बात को लक्ष्य ने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया इस कार्यक्रम में। हमारे बगल में अभी मेरे बगल में जो स्लाइड चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे जो है पूरे जो महापुरुषों का जो चारों तरफ बैनर लगा है मैंने उसका पूरा कवरेज किया है। संगठन ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया। और दूसरा ये चीज और, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस दिन महिलाएं संगठन की शक्ति जान लेंगी उस दिन उनका अत्याचार और जो शोषण है खत्म हो जाएगा। उस चीज को लक्ष्य ने प्रूव करके दिखाया। मैं अभी आपको बगल में स्लाइड दिखाता हूँ कि इस कार्यक्रम में मोर देन महिलाओं ने भागीदारी निभाई है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। यानी जो लक्ष्य का जो वर्क है, जो लक्ष्य का ग्रास रूट वर्क है, बहुत ही शानदार है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले क्लिप में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्ध। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।